हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। क्या हाल है मन भाई? बस हेलो, क्या हाल है? क्या बढ़िया बढ़िया। इंतजार किया? अरे बहुत वेट करा आपका, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मन भाई, अच्छा अच्छा बहुत लेट हो गया। हेलो भैया, रास्ता कैसा? रास्ता तो ठीक है, आगे बढ़िया है। बढ़िया है ना? हाँ बढ़िया, खड्डे वड्डे कुछ नहीं है, नहीं है? ना ना कुछ नहीं है। चले अब हम निकल गए हैं ढालीपुर के लिए। आज हमारा थोड़ा सा लंबी राइड होने वाली है। पहले हम ढालीपुर जाएंगे और उसके बाद डाक पत्थर, फिर कटा पत्थर। और ये तुषार भाई, और इन्होंने पेल दी गाड़ी, और ये इसी के साथ अमन भाई ने भी पेल दी। और शिट, ये अमन भाई का ब्लूटूथ निकल के गिर गया, उन्हें पता नहीं चला शायद, और मुझे रुकना पड़ेगा। मैं देखता हूँ। ओहो, ये तो इसको भी वाले ने रगड़ दिया इसको। टूट गया है तो एक साइड से, और वो लोग तो आगे निकल गए होंगे। अब मुझे पकड़ना पड़ेगा उनको, पकड़नी पड़ेगी। ओहो, अमन भाई आ गए हैं। ये अमन भैया भी करण भैया की तरह बाइक पे खड़े होके राइडिंग का पूरा मजा लेते हुए। ये अमन भाई है, ये अमन भाई है। ये रोजर भैया गलत मुड़ गए, इधर विकास नगर की तरफ नहीं जाना, पहले तो हमें ढालीपुर जाना है। करण भैया भयंकर वाला कट मारते हुए, और ये तुषार भैया ने भी पास मार दिया, हाथ छोड़े हुए हैं, मजा पूरा ले रहे हैं। और ये अब हम ढालीपुर पहुंच गए हैं, और मुझे लग रहा है अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, और अब हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। यहाँ तो मूड ख़राब हो गया, चलो वापस चलते हैं। अब चलते हैं हम डाक पत्थर की तरफ, वैसे भी भूख बहुत लग रही है, तो ब्रेकफास्ट उधर ही करते हैं। ये करण भैया अपने पुराने स्टाइल में बाइक पे खड़े हुए, और इनके हेलमेट में 360 कैमरा लगा हुआ है, ये पूरी वीडियो बना रहे हैं, पूरा मज़ा ले रहे हैं। और अब हम ये डाक पत्थर पहुंच गए हैं, यहाँ पर ये डैम है। वैसे ब्रेकफास्ट का प्लान तो हमारा ढालीपुर का ही था, और सोचा था बोटिंग भी करेंगे, लेकिन वो फेल हो गया। अब
सुबह हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब हम चले हैं कटा पत्थर की तरफ। लेफ्ट साइड में ये डैम है और थोड़ी सी लंबी राइड हो गई है, कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही है जहाँ पर थोड़ा पानी वानी में इंजॉय कर सकें। लोकेशन बहुत बढ़िया है, करते करते मसूरी की तरफ से उतर जाएंगे। मसूरी की तरफ से ऊपर वहाँ जाओगे? और क्या, वहाँ से पीछे की तरफ से उतर जाएंगे, फर्स्ट क्लास राइड हो जाएगी। यार मुझे फिर देहरादून से वापस आना पड़ेगा। अच्छा, हमें तो यहीं से जाके और इधर को वापस आ जाएंगे। हाँ, हमको एक्चुअली आना यहाँ से था और ऊपर जाना था। बिल्कुल ठीक है, आ जाओ। करण भैया किसी से भिड़ गए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है। इसको ऐसे नहीं करो कि वो तुम्हें हॉर्न मार रहा है, ये बोलता तू ऐसे किया, पापा बोला वो क्यों करूंगा, अभी बोलता ऐसे तुम बोले चलो चलो, तो मैं एक चीज बोल। अरे भाई, ये अमन भैया टांगी चौड़ी करके सुसु करते हुए पूरा मजा ले रहे हैं। करण भैया खड़े होकर चला रहे हैं, खोपड़ी बहुत गर्म हो रही है इनकी क्योंकि अच्छी जगह नहीं मिल रही है। ये एक नदी तो मिली है, पुल पे हमने बाइक रोक दी, लेकिन इस नदी में भी पानी नहीं। यार ये बरसात में इस नदी में पानी नहीं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है आज? चलो, सबको बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है मेरी कुटाई होने वाली है। एक नदी तो दिखी है और एक कच्चा रास्ता भी जा रहा है नदी की तरफ। देखो कुछ जगह मिलती है तो कुछ थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, मूड तो खराब हो रहा है, जगह ही नहीं मिल रही कोई। अरे वाह, नदी किनारे रेस्टोरेंट, मजा आ गया। अब आज हम इधर होटल कटापत्थर पहुँचे हैं, बहुत ही लंबा रूट हो गया। पहले हम ढालीपुर गए, उसके बाद वहाँ पे हमारा मूड नहीं हुआ बोटिंग का, फिर हमने डाक पत्थर में ब्रेकफास्ट किया, उस उधर से फिर हम इधर कटापत्थर आए नदी की तरफ। तो हमें कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी रुकने के लिए, बीच में एक दो जगह रुके भी हम, लेकिन हमें मज़ा नहीं आया। तो हम ढूंढते हुए, ये बहुत ही अच्छा होटल है, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है और यहाँ पे रिवर है, नदी है और बहुत अच्छा व्यू है। अभी हम देखो, अभी मूड बनता है तो हम स्विमिंग वगैरह करते हैं, तो पूरा वीडियो डालेंगे। ये इन्हें तो बहुत ही जल्दी लग रही थी पानी में डुबकी लगाने की। ये देखो, मुझे नहीं पता, कच्चा पहन के पानी में बैठना बस, तो मैं सुसु कर दूं। व्यू बहुत अच्छा है, साइड में नदी चल रही है इधर, और यहाँ पे पिक्चर की शूटिंग चल रही है जिसमें हीरोइंस आई है, हरियाणवी और हम जा रहे हैं पूल कूदने वाले हैं भाई लोग। और भाई आज हमारे को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, लाइक फॉलो आन दे। ये क्या, वैसे ये कटा पत्थर का प्लान तो मेरा ही था और मूड बहुत खराब हो गया था, कोई अच्छी जगह मिल ही नहीं रही थी। ये जगह भी मैंने फर्स्ट टाइम देखी, आया बहुत बार हूँ लेकिन मैंने इतना अच्छा यहाँ पे कभी देखा ही नहीं। कभी उधर से ही नदी वगैरह से होके हम चले गए, गर्मियों में आते थे स्विमिंग वगैरह, उसमें ही थोड़ा बहुत जब कम पानी लेवल होता है। तो अब ये हमें दिखा है बहुत, स्विमिंग पूल बहुत ही अच्छा है और अब थोड़ा मज़ा आ रहा है, नहीं तो अब तक तो हमारी ऑफ रोडिंग भी हो गई थी, बोर होने लग गए थे बहुत ज़्यादा, मूड ही ख़राब हो गया था। ज़्यादा गहरा है, मैंने सोचा इतना गहरा नहीं होगा। चलो बांध, सारे के सारे एक साथ अंदर। हाँ, सारे के सारे एक साथ अंदर। चलो
ये हमारे तुषार भाई स्विमिंग में नंबर वन है, ये हमें स्विमिंग सिखाएंगे आज। बिल्कुल मजा आएगी नहीं आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। इसमें मेरी जान अटकी हुई है, मेरा 40,000 का कैमरा पानी के अंदर है और ये दो बदमाश लोग पता नहीं क्या पंगे ले रहे, ये पानी में घुस गए। ओ छेड़ा मत, हाय डार्लिंग, चलो हाय हाय, वी आर एंजॉयिंग। क्या बात, हाय वी आर रियली एंजॉयिंग गाइस। परवेज की वीडियोस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इतना एंजॉय करोगे इसकी वीडियोस के साथ के नो लिमिट, मजा आता है भाई, बहुत मजा आता है इसके साथ। और ये बंदा मेरे को प्यार से वीडियोस बनाता है हमारी, और भी एडिटिंग क्या बढ़िया करता है, एंजॉय। इससे अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन कराओ, इस बंदे से जो मर्जी करवा लो, भले वो गन हो, भले वो बाइक हो, कुछ भी हो, व्हाट अ फैंटास्टिक मॉडिफिकेशन। मन भैया पानी में तो आ नहीं रहे हैं लेकिन पूरा मजा ले रहे हैं, बाहर से खड़े होकर पाइप से ठंडा पानी हमारे पर फेंक रहा है भाई। मैं ये क्या आ रहा, ये देखो मैं यार इसको पानी में डाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं? वाटर प्रूफ है। हाँ बताते तो है यार, केस लगा वा? केस भी बोला नहीं, 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 जा सकते आराम से। भाई मत डाल रोड बहुत ही गंदा था, गाड़ियां हमारी सारी गंदी हो गई है, ये देखो। ये देखो क्या नज़ारा है, सामने नदी है, नदी में पानी है और रेस्टोरेंट भी यही है। आए थे हम लेफ्ट साइड से और जा रहे हैं राइट साइड से, इधर से भी रास्ता है। ये पुलिस वाले अंकल भी दिख गए होंगे तो यहाँ पे। पानी बहुत ज़्यादा है, बाइक तो डालना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से यू टर्न लेना ही पड़ेगा। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता अपनी बाइक्स के साथ। चलो भाई वापस चलो। पुलिस वाले अंकल जी ने हमें तो रोक लिया। ये तुषार भैया ऑफ रोडिंग करते हुए बैक पर्सन उठा दिया,